दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में टीवी शोज को सफल बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है अभिनेत्री आजिया। जैसा कि हमेशा ही एक अच्छी बहू, बेटी और माँ के किरदार को पूरे इमोशंस के साथ पर्दे पर वो अभिनेत्रियाँ पेश करती है, जिसकी वजह से दर्शक उन अभिनेत्रियों से काफ़ी कनेक्ट रहते हैं और हमेशा उनके लिए ही टीवी शोज को देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन अभिनेत्रियों के बारे में नहीं बल्कि इन अभिनेत्रियों के रियल हस्बैंड और एक्स बॉयफ्रेंड से रूबरू कराने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। नंबर एक, रुबीना दिलैक। खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाली रुबीना दिलैक असल में सबसे पहले नंबर पर शुमार होती है। और बात करें इनके हस्बैंड और एक्स बॉयफ्रेंड की, तो बता दें इनके हस्बैंड का नाम अभिनव शुक्ला है, जिनसे उन्होंने साल 2018 में शादी रचवाई थी। बता दें अभिनव प्रोफेशन से एक एक्टर है, जिनके साथ इन्होंने छोटी बहू सीरियल में काम किया था और उन्हीं के साथ ही वर्तमान में एक बेहद खूबसूरत रिश्ते में बनी हुई है। बता दें कि अभिनव की पहले रुबीना अविनाश सचदेव को डेट कर रही थी और उनसे इतना सच्चा प्यार करती थी कि शादी करने की तक तमन्ना रखती थी, पर अफसोस अविनाश ने धोखा देते हुए किसी और का हाथ थाम लिया। नंबर दो, श्रद्धा आर्य। कुंडली भाग्य शो से हर किसी के दिलों पर राज करने वाली श्रद्धा आर्य भी शादी कर अपना घर बसा चुकी है। बता दें श्रद्धा ने पिछले साल नवंबर के महीने में राहुल नागल से शादी कर अपना घर बसाया है, जो कि प्रोफेशन से नेवी ऑफिसर है, जिनके साथ इनके इंटरनेट पर कई काफ़ी प्यारे प्यारे पोस्ट है। और वहीं बता दें श्रद्धा आर्य राहुल नागल से शादी करने से पहले आलम मक्कर को डेट कर रही थी, जो कि प्रोफेशन से एक लॉयर और बिजनेसमैन थे, जिनके साथ इन्होंने नच बलिए शो में भी पार्ट लिया था। इसके बावजूद दोनों का रिश्ता चल ना सका। नंबर तीन, अनीता हसंदानी। टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के साथ साथ खूबसूरती से भी तारीफ बटोरने वाली अभिनेत्री अनीता, जो कि वर्तमान में न सिर्फ रोहित रेड्डी से शादी कर अपना घर बसा चुकी है बल्कि उनसे एक बेटे की मम्मा भी बन चुकी है। बता दें उनके पति रोहित रेड्डी प्रोफेशन से बिजनेसमैन है और बैंकर है, जिनके साथ इनके रिश्ते को 10 साल होने वाले हैं, मगर उसके बावजूद इनमें आज भी वही प्यार बरकरार है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अनीता हसंदानी का प्यार रोहित रेड्डी कभी भी नहीं थे, बल्कि उनसे पहले एजाज खान से प्यार इन्होंने किया था और उनसे शादी करने की तमन्ना रखती थी, पर एजाज खान ने इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बावजूद किसी और से दिल लगा लिया और इन्हें धोखा दिया। नंबर चार, दिव्यांका त्रिपाठी। यह मोहब्बत शो से मशहूर होने वाली दिव्यांका त्रिपाठी भी शादी कर अपना घर बसा चुकी है। और बात करें इनके हस्बैंड की, तो इन्होंने अपने इस शो की कोस्टार रहे विवेक दहिया से शादी कर अपना घर बसाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर एक्टर है, साथ ही हैंडसम भी है। बता दें विवेक दहिया से शादी करने से पहले दिव्यांका त्रिपाठी का अफेयर भी शरद मल्होत्रा के साथ चला, जिन्हें इन्होंने करीब 8 साल तक डेट किया, मगर जब बाद शादी की आई तो शरद पलट गए और उन्होंने इन्हें धोखा दिया। नंबर पाँच, मोनी रॉय। इसमें आखिरी नाम शुमार होता है मोनी रॉय का। आपको बता दें मोनी रॉय ने इस साल की शुरुआत में ही सूरज नामबियार से शादी कर ली। आपको बता दें कि ये प्रोफेशन से दुबई के इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जो कि दिखने में काफ़ी हैंडसम है, इसलिए इन दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफ़ी पसंद आती है। मैं बात करें इनके एक्स बॉयफ्रेंड की, तो बता दें देवो की देव महादेव सीरियल में काम करने के दौरान मोनी रॉय मोहित रैना पर दिल हार बैठी थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे को डेट भी किया, मगर अफसोस मोहित रैना की मम्मी को इनका रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से इनका ब्रेकअप हो गया। तो दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों के हस्बैंड और एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।